विद्युत उपभोक्ताओं की सुविधा के लिए विद्युत विभाग ने रविवार को विद्युत उपकेंद्र बख्शीपुर पर कैंप लगाया गया, जिसके संबंध में ब्रजेश कुमार त्रिपाठी ने बताया कि उपभोक्ताओं की सुविधा के लिए छुट्टी के दिन भी कैंप का आयोजन किया गया है, जिससे कि उपभोक्ताओं को विद्युत बिल का भुगतान करने में कोई असुविधा न हो और आसानी से अपना विद्युत बिल का भुगतान कर सकें। रविवार के लगाए गए विद्युत कैंप में कुल 8,27,000 रुपये का विद्युत बिल जमा किया गया। उन्होंने बताया कि कैंप में विद्युत बिल की समस्या के साथ मीटर की समस्या सहित अन्य समस्याओं की भी सुनवाई की गई और उसके निस्तारण के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया गया। इस संबंध में गोरखपुन्नी से बात करते हुए ब्रजेश कुमार त्रिपाठी ने कहा, ब्रजेश कुमार त्रिपाठी। उपभोक्ताओं की सुविधा के लिए कार्यक्रम रखा गया है, जो भी उपभोक्ता छुट्टी के दिन नहीं ऐसे ऐसे कार्यक्रम जो ऑफिस टाइम काम करते हैं और वो छुट्टी दिन वो आ सकते हैं हमारे यहाँ। जो भी कार्यक्रम एक हफ्ते का जो होता है, पूरे वीकली जो काम होती है ऑफिसली, वो काम संडे को भी कर सकते हैं। इस नाते पूरे महाकैंप के रूप में पूरे साल में रखा गया है। कितना लगभग जमा हुआ है? पैसे रेनू के मामले में आपका बख्शीपुर में 3,31,000 और सूरजकुंड में आपका 52,000, इंडस्ट्रियल पर 2,17,000, विकास नगर में 1,83,000। डिवीजन सेकंड का बख्शीपुर एरिया का पूरा रेनू है, पूरा टोटल 8,27,000 रुपये जमा हुआ है। क्या ये सुविधा अगले संडे नहीं, अगले संडे नहीं, महीने में 2 दिन रखा जाता है, एक लास्ट थर्ड संडे को और सेकेंड सैटरडे को, एक फर्स्ट संडे को सेकेंड सैटरडे को। इसमें अधिक और समस्या आई हुई है, आपका 9 लोगों का जो बिलिंग के संबंधी समस्याएं हैं वो भी निस्तारण के लिए दिया गया है। इसमें 9 मीटर चेंज करने के लिए समस्या है, उसका भी निस्तारण के लिए दिया गया है। इसमें लोड बढ़ाने के लिए 2 उपभोक्ता आए थे और नाम चेंज करने के लिए 2 उपभोक्ता आए थे, 1 PD के लिए आए थे। इतनी समस्या आ जा रही थी।